when we talk about written section of English, we have to learn the grammar chapters and some vocabulary chapters, that is all. Right? English is all over. English is all about only grammar and vocabulary. That is all about. Right? यही सीखना है ना हम लोगों को. केवल इंग्लिश में क्या सीखना होता है हमें? हमें इंग्लिश में सीखना होता है ग्रामर सेक्शन, और हमें क्या सीखना होता है? वोकैबुलरी मींस वर्ड पावर. राइट? लेकिन क्या लैंग्वेज इतने ही तक सीमित है? नो, लैंग्वेज इज नॉट लिमिटेड टिल ओनली दिस वोकैबुलरी एंड ग्रामर सेक्शन. अभी आपके पास एक टीचर आ जाए वेस्ट बंगाल से पढ़ाने के लिए, वो क्या बोलेंगे? दैट पास मी द टेबल, पास मी द टेबल, टेबल, है ना? तो उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है? जो हम झारखंडी बोलते हैं टेबल, क्या बोलते हैं? टेबल, ये ना बोलते हैं. वो बंगाली कैसे बोलते हैं? टेबल, टेबल, टेबल. राइट? तो अगर एक एक बंगाली टीचर आपको पढ़ाने लग जाए, इफ अ बंगाली टीचर स्टार्ट्स टीचिंग यू, तो वो क्या पढ़ाएगा टेबल को? टेबल पढ़ाएगा, और आप भी वैसे सीख जाओगे टेबल. राइट? लेकिन अगर अगर एक अच्छी इंग्लिश पढ़ा हुआ जिसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, लाइक फ्रॉम बेंगलुरु एंड ऑल, कम टू यू एंड दे स्पीक टू यू इन इंग्लिश, दे विल स्पीक टेबल, टेबल, टेबल. राइट? तो वहां पे प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? टेबल. तो अगर आपके पास तीन टीचर आ जाए, इधर थ्री टीचर्स, एक टीचर पढ़ा रहा है टेबल, है ना, झारखंड के टीचर्स हम लोग टेबल, है ना, एक टीचर आ रहा है जो बंगाली है, वो क्या पढ़ाएंगे? टेबल. राइट? और एक एक बेंगलुरु से टीचर आ रहा है, एक साउथ के टीचर आ रहा है, तो क्या बोल रहे हैं? टेबल. अब हम लोग कंफ्यूज है. राइट? माने किसका बात, झारखंड वाले टीचर का कि वेस्ट बंगाल वाले का या साउथ वाले टीचर्स का, है ना? वी आर वेरी कंफ्यूज. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही उपाय है कि हम अपने टोन पे ना काम करके हम वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे काम करते हैं, तो मतलब टेम्पो फॉलो करेंगे. बट जिस भाषा में बात कर रहे हैं या जिस भाषा को सीखना है, तो उसके ही रूल्स को फॉलो करोगे ना. और उसका रूल मतलब उसके प्रोनाउंसिएशंस को फॉलो करना है. राइट? I was sitting with somebody, मैं कल किन्हीं के साथ बैठा हुआ था, तो he told कि मैं ट्रेन से जब आ रहा था ना, तो बातचीत के दौरान मैं बात कर रहा था, अचानक से एक आदमी जो मुझसे बहुत अनजान था, बोला, अरे भाई साहब, आप तो लगता है बिहार के है ना? तो बोला, तो मैंने कहा, हाँ बिहार नहीं, पहले बिहार झारखंड के ही था, लेकिन अब झारखंड से हो गया. हाँ हाँ भाई, बिहार झारखंड. तो हाँ, मैं बिहार झारखंड से हूँ. क्यों सर? नहीं नहीं, बस बस ऐसे ही पूछ रहा था. बहुत अच्छा मेंटेन करके रखते हैं आप. राइट? He told what? बहुत अच्छा मेंटेन करके रखते हैं आप, बिहार झारखंड के लगते नहीं हो, बस बात से लगे, वर्ड से लगे. कैसे भाई, क्या बोला जो लग गए? तो बोला ना आपने, प्रकाश, प्रकाश, प्रभाकर. तो वो प्रभात, प्रकाश नहीं होता है, वो होता क्या है? प्रकाश. प्रभाकर, प्रभात. हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश, पर काश, है ना? राइट? शाम, शाम को मिल रहे हो ना? हाँ, शाम, शाम. राइट? आई वॉज इंट्रोड्यूसिंग, कल मैं इंट्रोड्यूस करा रहा था हमारे कंप्यूटर टीचर को उनसे. राइट? तो आई मेड हिम मीट, आई टोल्ड दैट ही इज आवर कंप्यूटर टीचर. तो ही आस्क्ड द नेम, व्हाट इज योर नेम? ही टोल्ड राज वर्मा. उन्होंने पूछा, राज या राज? राज, राज, व्हाट इज दैट? राज. तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, राज वर्मा नाम है, राज नहीं है. राज मतलब सीक्रेट होता है, है ना? बहुत बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता, है ना? राइट? और बहुत कुछ है, सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि बहुत कुछ है अपने ही भाषा में जिस पर हम प्राउड करते हैं. अच्छा, हिंदी बोलो यार, हिंदी में प्राउड फील करते हैं हम, और हमें ही नहीं आता.
राइट, वो चिराग तले अंधेरा वाला हाल है। तो द सेम वी आर डूइंग विद इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी के साथ भी यही कर रहे हैं, राइट। इसी डैमेज को रोकने के लिए, इसी गैप को खत्म करने के लिए ऑक्सब्रिज में प्रोनंसिएशन बिल्डिंग क्लासेस होती है। वी हैव प्रोनंसिएशन बिल्डिंग क्लासेस, राइट। सो दिस प्रोनंसिएशन बिल्डिंग क्लासेस विल स्टडी इन थ्री स्टेप्स। हाउ मेनी स्टेप्स? थ्री स्टेप्स, राइट। नंबर वन, What is that? Listen. मुझे याद है ना, मेरी दादी माँ कहती थी कि जरा लीसन ले आना, वहां से उसको लगाना दीवार पर, है ना। तो गांव में, झारखंड के गांव में लिसन कहते हैं सीढ़ी को, राइट। बांस वाला सीढ़ी को कहते हैं लिसन। नहीं सुना आपने? ओके, सुना है। तो जो गांव में रहते हो, जो गांव की भाषा यूज करते हो, उनको पता है, राइट। लिसन का मतलब है सीढ़ी, ओके, बांस वाला या लकड़ी वाला सीढ़ी जिससे हम लोग चढ़ते हैं कोठा वगैरह पर, ओके। दैट इज कॉल्ड लिसन। व्हाट इज दैट? लिसन। तो वो लिसन है? नो सर। नहीं, इट्स नॉट लिसन, इट्स लिसन। व्हाट इज इट? लिसन। व्हाट इज दैट? लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी, हेलो, लिसन टू मी, लिसन टू मी, राइट। सो व्हाट इज दैट? लिसन। व्हाट इज दैट? लिसन। सो लिसनिंग, व्हाट इज दिस? Listening. The first step is listening. Second one is, what is that? Understanding. What is that? Understanding. We don't pronounce the word understand. Understand वो नहीं है. Understand. Okay. It's understand. 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 Understanding. Right? Understanding. Understanding. Okay. And the next one is the repeating. What is the next one? Repeating. Repeating. What is that? Repeating. So number one, first step is? Listening. Number one is? Listening. Number two is? Understanding. Number three is? Repeating. Listening. Understanding. Repeating. Right? Listening. Understanding. Repeating. Look what happens. अक्सर जब भी हमें इंग्लिश सुनाई देता है, जब भी इंग्लिश सुनाई दे रहे हमें, तो हमारा दिमाग क्या करता है? क्या क्या बोला उसका, हिंदी क्या था, इसका मतलब क्या हुआ, है ना। हमारा माइंड वही आता है, वो इंग्लिश बोला नहीं कि हमारा दिमाग में इसका हिंदी क्या हुआ, राइट। तो इसी वजह से हमारी अंग्रेजी भी कमजोर है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली आवर इंग्लिश इज वीक। हमें क्या ध्यान देना चाहिए, जैसे ही कोई सेंटेंस हमें सुनाई दे गया, एज वी हर्ड एनी सेंटेंस, द सेम टाइम हमें उसकी प्रोनंसिएशन को रिपीट करना चाहिए। हम लोग समझने लग जाते हैं क्या उसका मीनिंग, समझना क्या चाहिए, प्रोनंसिएशन, द वे इट वॉज स्पोकन। मैं आपको बता दूं कि बोलने का तरीका भी अलग अलग होता है, और बोलने के तरीके से भी वर्ड के मीनिंग चेंज कर जाते हैं, राइट। चलो मैं अभी यहां खड़ा हूं, मैं कुछ क्लास दे रहा हूं, आई एम गिविंग सम क्लास, आई एम गिविंग राइट नो क्लास। आप में से कुछ कोई भी एक खड़ा होकर मुझसे बात करो, कुछ भी एक्सक्यूज करो, पहले मुझसे बात करो, कोई भी खड़े हो जाओ। एक्सक्यूज मी सर। यस। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? नथिंग स्पेशल। Do you want to ask something? Yes, sir, I want to ask something. Yes, please ask me. Wait. So, for the first time, when she said, excuse me, sir, right? As she said, excuse me, sir, मैंने क्या कहा? Yes.
तो यहाँ यस जो मैंने बोला मैं वही वर्ड बोल रहा हूँ, YES वाला ही, लेकिन मीनिंग इसका चेंज कर रहा है। यहाँ मीनिंग यस का मतलब हाँ नहीं है, क्या है द मीनिंग ऑफ यस इज क्या। तो जैसे ही बोलने का तरीका चेंज हो गया, वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे ही बोलने का तरीका चेंज हुआ, वर्ड के मीनिंग भी चेंज हो गया। और जब अलग हो गया तो मीनिंग क्या हो गया यस का? क्या। बट जैसे ही उसने मुझसे कहा कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं, मैंने कहा यस यू कैन आस्क। तो यहां मैंने क्या पूछा, बहुत सिंपल नॉर्मल तरीके से बोला यस यस, राइट। तो यस का मतलब क्या हो गया? हाँ। डू यू अंडरस्टैंड? तो प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड्स चेंज द मीनिंग, नो डाउट। प्रोनंसिएशन, शब्दों के प्रोनंसिएशन तो मीनिंग्स को चेंज करते ही करते हैं, बोलने का तरीका भी मीनिंग्स चेंज कर देता है। इसी तरह से हेलो जो होता है ना, वर्ड हेलो, इसके तीन अलग अलग मीनिंग्स हैं। एक ही वर्ड, बस बोलने का प्रोनंसिएशन अलग है, तरीका अलग है, मीनिंग चेंज हो गया, राइट। That I'll be teaching in different class. मैं अलग क्लास में पढ़ाऊंगा, not right now. Okay? To see it right now. Lab class is given in three steps that you have to follow. Three steps. Number one, listening. Number two, understanding. Number three, repeating. And number one is listening. Listening and understanding. Understanding what? Pronunciation, not the meaning. Do not try to understand the meaning. Meaning को समझने में अपना time को मत गवाओ, right? क्या समझना है? प्रोनंसिएशन, व्हाट इज द प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड, एंड देन आफ्टर रिपीट द प्रोनंसिएशन, उसी प्रोनंसिएशन को रिपीट कीजिए। वेल, इंग्लिश लैंग्वेज में देयर इज नो क, नो ट, नो प। अंग्रेजी भाषा में कोई क नहीं होता है, कोई ट नहीं होता है, कोई प नहीं होता है। तो बोलोगे सर फिर सी यू टी कट क्यों बोलते हैं अगर क नहीं होता है तो? है ना? Yes, CUT कट तो होता है, लेकिन वो कट नहीं होता है। इसे पढ़ते हैं हम लोग क प्लस का, आधा क और आधा ख दोनों मिलके बनता है क, राइट। एंड वी प्रोनाउंस कट, राइट। कूल, ओके। कम, व्हाट इज दैट? कम, कम हियर। May I come in? May I come in? Come in. May I come in? Come in. May I come in? Right? Well, in the same manner, there is no ta. There is ta plus tha. यहाँ भी ta plus tha होता है. Example. Tiger. Not tiger. 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 Teacher. What is that? Teacher. Teacher. I'm a teacher. Right? Trainer. I'm a trainer. Right? Train. 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 Is that clear? Yes, sir. In English language, there is no P. It's P plus P. अब पूरा फा भी नहीं बोल देना। अब ऐसे नहीं, पूरा फा बन जाता है वो। Okay? It's not फा. ये प, प, राइट, प, लाइक पावर, व्हाट इज दैट? पावर। यू नो, मुझे याद है जब मैं शक्तिमान देखा करता था ना बचपन में, तो वहां डॉक्टर जयकाल हुआ करते थे, डॉक्टर जयकाल, ही ऑफन यूज्ड टू से पावर, राइट, पावर। बोल क्या रहा है यार, राइट। तो हम लोग तो बचपन में, हमारी आदत क्या थी? पावर पढ़ने की, है ना? आवर हैबिट यूज टू बी व्हाट? कि P-O-W-E-R पावर है, एंड इज स्पीक पावर। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, तो हम लोग लगता था ना कि वो पौवा पौवा बोल रहा है, राइट। हमें यूज टू फील द सेम दैट ही इज स्पीकिंग पौवा, ओके, बाय द वे। सो बट ही यूज टू स्पीक पावर, व्हाट इज दैट? पावर, ओके। Park. What is that? Park. Park. Let's go to the park. I go to the park on Sundays. Right? I go to the park. I go. I
go to the park on Sundays. Right, by the way. This is park. यहाँ पे park को भी park plus park पढ़ रहे हैं, car को भी car plus car पढ़ रहे हैं. Okay? What is the next one? Parent. What is that? Parent. Parent. Not pair. 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 Parent. 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 Okay? My parents are coming. My parents are coming. Right? So this is the first rule. Ye pehla rule hai that in English there is no ka, no ta and no pa. The second rule says R is silent when it comes after a vowel sound. A vowel sound. Vowel के बाद नहीं आता है, वो vowel sound के बाद आता है. कभी कभी ऐसा दिखेगा आपको कि vowel letter के बाद आ रहा है लेकिन वो silent नहीं है. क्यों साइलेंट नहीं है? क्योंकि उस वॉवल लेटर का प्रोनंसिएशन नहीं हो रहा है. लेकिन अगर वॉवल साउंड हो रहा है और लेटर नहीं भी है तो भी शांत हो जाएगा. दैट विल बी एलिडेड. व्हाट विल बी डियर? इट विल बी एलिडेड. देयर इज अ वर्ड एलाइड. एलाइड का मतलब होता है शांत हो जाना. क्या शांत हो जाना? मतलब हम लोग शांत हो जाना वो नहीं, लेटर का शांत हो जाना, उस अक्षर का शांत हो जाना, मतलब उसकी प्रोनंसिएशन नहीं होती. ओके, एग्जाम्पल. What is this? Car. Car. What's that? Car. Car. What is this? Heart. What's this? Sir. Sir. What is this? Sir. Sir. It is it. Understood now? Next. Third rule. But if there is a ball sound after R, R is not silent. लेकिन यदि R के बाद भी एक भौल साउंड हो जाए तो R वहां पे साइलेंट नहीं होगा. For example, what is this? Hero. आप ऐसा नहीं कि हीरो कर दोगे, यहां साइलेंट नहीं यार, है ना? इट इज व्हाट? हीरो. व्हाट इज इट? हीरो. व्हाट इज इट? हीरो. नो. हीरो. हीरो. यहां पे आर साइलेंट है. हियर आर इज साइलेंट. क्यों साइलेंट है? क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि अगर आर आता है भॉल्स साउंड के बाद, वॉवल लेटर के बाद नहीं. उसी तरह से यहां पर ई जो है वो वॉवल लेटर तो लिखा हुआ है आर के बाद लेकिन वॉवल साउंड नहीं आ रहा ई का. राइट, ई का कोई साउंड नहीं है यहां पर. तो पढ़ क्या रहे हैं? ही आ रा. ये ना पढ़ रहे हियर. कम हियर. व्हाट इज दैट? Come here. Come here. What is that? Come here. Come here. तो here, here आ के बाद रा आ रहा है इसीलिए रा साइलेंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? Here. Come here. Come here. Here. लेकिन अगर आप लिखते हो यहां पर या बोलते हो, क्या बोल रहे हो? Here it is. पूरा बोलोगे here it is. Can I get a book? Can I get a book? Here it is. बोलो ना here it is. तो here it is बोल रहे हो. यहां पे रा साइलेंट नहीं है, रा को बोल रहे हो, प्रोनाउंस कर रहे हो. क्यों प्रोनाउंस कर रहे हो? क्योंकि आप लिखते कैसे हैं? He a ra. Right. उसके बाद e. राइट. तो रा कहां आ रहा है? वॉवल्स के बीच में आ रहा है. प्रोनंसिएशन वॉवल साउंड्स के बीच में आ रहा है, मतलब रा के बाद भी एक वॉवल साउंड आ रहा है ई, इसीलिए रा साइलेंट नहीं होगा. आर इज नॉट साइलेंट. आर का प्रोनंसिएशन होगा. और क्या बोलोगे? हियर.
Here it is. What is that? Here it is. Understood now? Yes. So this is the third rule. Now I'll teach you the fourth rule. Letters. CH. CH. The letters CH has different pronunciations. CH, K, monarch, like a stomach, it is he. CH, CH, inch, it is he. It's okay. CH, SH, like machine. राइट तो सी एच क सी एच च सी एच श ओके क साउंड व्हाट क साउंड व्हाट इज दैट क साउंड कम्स फ्रॉम डिफरेंट लेटर्स क साउंड आपके अलग अलग लेटर्स से आपको मिल जाएगा राइट मीन्स अलग अलग लेटर्स का साउंड क होता है लाइक सी सी फॉर क सी को भी हम लोग क पढ़ते हैं लाइक कोकोनट यहां पे सी को क्या पढ़ रहे हैं क पढ़ रहे हैं सी सी डबल सी को भी क पढ़ते हैं ओके लाइक अकाउंट डबल सी क्या हो गया क लाइक अकाउंट सी एच को भी क पढ़ते हैं सी एच इज क लाइक मोनार्क मोनार्क देन सी के को भी क पढ़ते हैं सी के इक्वल्स टू क सी के को भी क पढ़ा जाता है लाइक रॉक के को भी कब पढ़ते हैं के इज क लाइक किट राइट देन क्यू को भी कब पढ़ते हैं क्वीन क्यू यू ई को भी कब पढ़ते हैं क्यू यू ई ऑल्सो इज प्रोनाउंस्ड एज क लाइक चेक तो क्यू यू ई को क्या पढ़ लिया आप क पढ़ रहे हो वी इंफोसाइज स्ट्रॉन्ग वॉल्स जो होते हैं ना उसको हम लोग जोर डालते हैं उस पर जोर डालते हैं हमारी आदत क्या है पढ़ने की अ आ ई ई ऊ ए ए है ना यही ना करते हैं हम लोग बट ऐसा नहीं होता होता क्या है लाइक व्हेन यू आर स्पीकिंग किट बट व्हेन यू स्पीकिंग दिस फ्ली ओके सो वी आर देयर टू इंफोसाइज दिस वन इसे हम लोग इंफोसाइज कर रहे हैं So we emphasize strong vowels. Strong vowels जितने भी हैं उस पर हम लोग जोर डालें Like teacher. Right? Like it is a name. एक नाम है ये क्या प्रोनाउंस करोगे Yes, like. So it's not लेकर हम लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में लेकर है ना सब्जी लेकर लेकर ये ना बोलेंगे
बट वो लेकर नहीं है, इट इज लाइक, व्हाट इज दैट, लाइक, ओके। द लास्ट रूल सेज इंग्लिश इज अ फास्ट लैंग्वेज। कैसे वो फास्ट लैंग्वेज है? फास्ट लैंग्वेज लिखने में नहीं है, ऐसा नहीं कि आप लिखोगे तो बस दो मिनट में पांच छह पन्ना भर लोगे, ऐसा नहीं होने वाला। इंग्लिश फास्ट लैंग्वेज है बोलने में। और क्यों फास्ट हो जाता है बोलने में? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वी यूज कॉन्ट्रैक्शंस, वी यूज कॉन्ट्रैक्शंस इन इंग्लिश एंड दैट मेक्स इट फास्ट, और वो इसको फास्ट कर देता है, राइट? कभी कभी हम लोग ना प्रोनाउंसिएशन इतना गलत करते हैं, वी प्रोनाउंस इट सो रॉन्ग कि क्या बताएं, राइट? हम लोगों ने लाइक मैं अपने स्कूल, ऐसा नहीं गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी भी नहीं है, गलती हमारे पूर्वजों की है। अब मुझे मुझे बचपन से पढ़ाया गया कि जो एक जगह होता है ना, वो छोटा वाला, वो एक जगह जिसमें गुलीवर की यात्रा पढ़ाया गया, गुलीवर की यात्रा, या मूवी देखा हो आपने, आप लोगों ने जजंतरम ममंतरम मूवी देखा है? हाँ, राइट, जिसको पकेट में डाल लो आराम से, आदमी को लेकर चल रहे हैं, है ना? तो वैसे लोगों को बोला जाता था लिलीपुटियन, लिलीपुट के लोग रहने वाले हैं ना, लिलीपुट, तो लिलीपुट के लोग लिलीपुटियन, है ना? लिलीपुटियन का मतलब क्या हो गया? हाँ, छोटे छोटे लोग, लिलीपुटियन। अब जब मैं बड़ा हुआ, जब पढ़ाई की थोड़ी सी, तो सोचा डिक्शनरी में खोज लेते हैं बोल करके, है ना, बोलने वाला डिक्शनरी होता ना, तो मैंने पूछा लिलीपुटियन लिलीपुटियन लिलीपुटियन, चिल्ला रहा, निकल ही नहीं रहा वर्ड। क्यों नहीं निकल रहा है? बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज में लिलीपुटियन है ही नहीं। है क्या वहां पे? लिलीप्यूशन। क्या है? लिलीप्यूशन। और हम लोग अभी तक पढ़ते क्या आ रहे हैं? लिलीपुटियन। सो दिस इज द कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रोनंसिएशन, ओके? सो कॉन्ट्रैक्शन, लाइक एक और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ डिक्शनरी भी बहुत बहुत महान डिक्शनरीज हैं, है ना, सस्ते में खरीदोगे तो वही हाल होने वाला है। आप किसी भी सस्ते डिक्शनरी पर बिलीफ मत करना प्रोनंसिएशन करने के लिए। एक मैं दिखा रहा हूं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूं, पी आर ओ सी ई डी यू आर ई, क्या है ये? यस, लेकिन उसमें क्या लिखा रहेगा? प्रोसीड्यूर, ओके, प्रोसीड्यूर, तो प्रोसीड्यूर है ये, लेकिन है नहीं, है क्या? प्रोसीजर, व्हाट इज दैट? प्रोसीजर, ओके। सो डू रिमेंबर, ध्यान रखना कि प्रोनंसिएशन बहुत जरूरी है। अब कोई पढ़ा है प्रोसीड्यूर, अब उसको कुछ सुनाई दे रहा है प्रोसीजर, कोई बोल रहा है तो समझ में आएगा क्या? नहीं समझने वाला, वो क्या बोलेगा? नया वर्ड मत बोलो। तो बोलेगा नहीं यार, मैं नया वर्ड नहीं बोल रहा, मैं वही वर्ड तो बोल रहा हूं, है ना, प्रोसीजर है वो वर्ड, व्हाट इज दैट? प्रोसीजर। तो हम अक्सर जब अंग्रेजी भाषा में, व्हेन वी आर वाचिंग इंग्लिश मूवीज और इंग्लिश भाषा में मूवीज देख रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आती, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज हमें एक अच्छा बहाना मिलता है। क्या बहाना मिलता है? अरे यार, वो नया वर्ड यूज किया होगा, दैट्स व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन यकीन मानिए, प्रत्येक अंग्रेजी की मूवीज में, प्रत्येक मूवीज में जो अंग्रेजी भाषा में है, 90% वर्ड्स आपको आते हैं, लेकिन प्रोनंसिएशन की वजह से समझ नहीं पाते, राइट? सो इंग्लिश लैंग्वेज इज फास्ट लैंग्वेज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। और जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है, लाइक यू आर, तो क्या बन जाएगा? यू आर, यू आर, व्हाट इज दैट? यू आर, यू हैव, यू हैव, क्या हो जाएगा? युब, युब, राइट? यू आर यंग, यू आर एक्सपीरियंस, यू आर फुलिश, राइट? तो यू आर, यू आर, यू आर, ओके, युब, युब, दिस, दिस, देयर इज, दिस, आईल, आई विल, आईल, आईल, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शंस इंग्लिश लैंग्वेज बिकम्स फास्ट, ओके? I hope you must have gotten the list of contractions. Yes. Just memorize those contractions and start using in your language. Okay, everybody? Yes.